हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रदीप। आप देख रहे हो टेलीविजन। आप तो मुझे जानते होगे, मैं हूँ आपका दोस्त प्रदीप। तो आज बात करने वाले हैं एलसीडी एलईडी मॉनिटर में जो लगने वाले जो कंडेंसर है, जैसे कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट में कंडेंसर का बहुत सारा एक भाग है। जैसे कि आप देख रहे हो, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है उसमें कंडेंसर की ज़रूरत पड़ती है, जिसके नाम है कंडेंसर और कैपेसिटर और पीएफ। जो पीएफ बोलते हैं वो भी एक अलग प्रकार का कंडेंसर ही होता है, जिसके बारे में आपको जानकारी ज़्यादातर नहीं होती है। अगर इसके कंडेंसर ये हो या दूसरे किसी और भी पार्ट के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो के लिए। तो बात करते हैं, पहले फर्स्ट में बात करेंगे अपने सीआरटी टीवी में लगने वाले जो कंडेंसर है उसके सेक्शन की। जैसे कि ये वीडियो, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार से आपको किस जगह पर कौन सा कंडेंसर लगाना चाहिए, या उसी नंबर का कंडेंसर आपको चाहिए या ना मिले तो उस जगह पर कौन सा लगवा सकते हो और किस प्रकार से लगा सकते हो, इसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। जैसे कि एलसीडी मॉनिटर और सीआरटी टीवी। तो फर्स्ट बात करेंगे सीआरटी टीवी की। जैसे कि सीआरटी टीवी में आप देख पा रहे हो, सीआरटी टीवी में हर जगह पर कंडेंसर का एक महत्व है। जैसे कि आप जो भी पार्ट आप देखोगे उस जगह पर उस टीवी के किट में, तो आपको ज़्यादातर कंडेंसर ही नज़र आएंगे, और कंडेंसर में ही बहुत सारे फॉल्ट है जो निकल जाते हैं। तो रेगुलेशन मुझे बहुत सारी कमेंट आती रहती है अपने यूट्यूब चैनल पर, जैसे कि सर इस नंबर के कंडेंसर की जगह पर कौन सा नंबर का कंडेंसर लगवा सकते हैं, या इस जगह पर दूसरा नंबर या दूसरे वोल्ट का कंडेंसर लगा दिया जाए तो क्या उसके वर्किंग में कुछ बदलाव आ सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूँ कि वर्किंग में बदलाव आता है, और किस जगह पर किस नंबर से लेकर किस नंबर तक कंडेंसर लगवाया जा सकता है या कैपेसिटर को, तो आज हम बताएंगे। जैसे कि आप सीआरटी टीवी की बात कर रहे हैं अभी, तो हम बता सकते हैं कि आपके लिए अगर पावर सप्लाई से शुरू करें, जैसे एसी करंट से होके टीटी कॉइल तक एसी करंट ही आता है 240 से 230, उसके बाद आपको मिलेगा डीसी डायोड के आगे कंडेंसर मिलेगा 450 से 550 वोल्ट, या 450 से 100 माइक्रोफैरड तक आप उस जगह पर कौन सा भी कंडेंसर लगा सकते हो, ताकि उस जगह पर आप एसी करंट प्राप्त कर रहे हो तो उसके नीचे माइक्रोफाइट ना हो पाए। जैसे कि 120 से 100 माइक्रोफाइट से नीचे कंडेंसर नहीं होना चाहिए एसी में। और आगे बात करेंगे सेक्शन, पावर सेक्शन एसटीआर या बीयू की। जैसे कि बीयू में आप देख पा रहे हो कि बीयू में कभी भी कंडेंसर नहीं लगा होता है। तो बात करेंगे अपने एसटीआर वाले सेक्शन की, जिसमें लगे होते हैं हर जगह पर अलग अलग प्रकार के कंडेंसर। जैसे कि रेगुलर एसटीआर की बात करें, 765, 564, 563, 564, 565, ऐसे बहुत सारी एसटीआर्स हैं जिसमें कई जगह पर दो कंडेंसर है और कई जगह पर एक कंडेंसर मिलेगा, आगे वाले साइड के लिए और राइट वाले साइड के लिए। तो यहाँ पर होता है 50 वोल्ट से 74 माइक्रोफाइट। और दूसरी बात करें तो उस जगह पर इसी प्रकार का कंडेंसर लगाया होता है, तो इस जगह पर हम 150 का कंडेंसर भी यूज कर सकते हैं। और 25 के आगे कौन सा भी जो कंडेंसर है जो 50 वोल्ट का हो, सिर्फ माइक्रोफाइट जो 47 के आगे होना चाहिए इस जगह पर माइक्रोफाइट। हम सेक्शन की बात करेंगे उसी प्रकार से, उस जगह पर हम 150 का कंडेंसर तो लगा सकते हैं। अगर दूसरा कंडेंसर आपको वहाँ पर मिलता है 63 वोल्ट, 47 से लेके 0.4, 0.1 माइक्रोफाइट, ऐसे कुछ कंडेंसर आपको पावर सेक्शन में मिलते हैं ओनिडा टीवी, एलजी टीवी में और बहुत सारी ईगो कंपनीज, सैमसंग्स। तो आप बात करेंगे उस जगह पर हम
63 वोल्ट का ही कंडेंसर लगा सकते हो, 50 वोल्ट का भी लगा सकते हो, लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि उस जगह पर माइक्रोफाइट 101 हो या 0.1 हो या 41.4 हो या 40.7 हो, तो इस जगह पर उसी प्रकार का कंडेंसर आपको लगाना पड़ेगा, ताकि रेगुलेशन जो है इस किट का, इस पावर सेक्शन का, कुछ अलग अलग प्रकार से होते हैं, तो आपको उस जगह पर उसी प्रकार का कंडेंसर लगाना पड़ेगा। रेगुलेशन आपको ओके दिखाएगा, नहीं तो ऐसा लगेगा कि आपको रेगुलेशन जो ब्लिंकिंग कर रहा है सिर्फ उस कंडेंसर की वजह से। तो आगे बढ़ते हैं हम चॉपर के अगले वाले पॉइंट पे। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं 6 वोल्टेज से लेकर 3 वोल्ट तक, 3 डायोड्स, 110, 24 वोल्ट, 32 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट या 25 वोल्ट ऐसे आपको नज़र आएंगे उसमें। तो उस जगह पर हम लगा सकते हैं 150 का कौन सा भी कंडेंसर, उस 150 उस रेगुलेशन में लगा सकते हैं। और बात करते हैं हम 60 110 की, जैसे कि 10 माइक्रोफाइट, 100 माइक्रोफाइट से लेकर 66 वोल्टेज, मतलब 160 का जो कंडेंसर है उस जगह पर 160 ही लगाओगे, लेकिन माइक्रोफाइट 100 के आगे होना चाहिए या 47 के आगे भी ये चलेगा, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। आपको 100 से आगे उस जगह पर कंडेंसर माइक्रोफाइट होना चाहिए। अगर कंडेंसर 250 वोल्ट का है, 200 वोल्ट का है तो भी चलेगा, लेकिन 160 के नीचे कंडेंसर वहाँ पर ना लगाए, ताकि वो फूले नहीं। तो बात करते हैं अपने वर्टिकल सेक्शन की। उस वर्टिकल सेक्शन में आप 150, आप देख सकते हो कि उस पर 25 वोल्ट से 47, 33 माइक्रोफाइड, 470 ऐसे माइक्रोफाइड के कंडेंसर उस जगह पर लगे होते हैं। तो आप उस जगह पर इन और आउट, जैसे कि माइनस और प्लस में आप 150 का कंडेंसर यूज कर सकते हो, लेकिन इन में यूज कर सकते हो और आउट में आपको मिलेगा 25 वोल्ट से 1000 माइक्रोफाइट। तो आपको उस जगह पर 25 वोल्ट 1000 माइक्रोफाइट का ही कंडेंसर लगाना पड़ेगा, नहीं तो आपकी ट्यूब पर रेगुलेशन जो होता है, जो वर्किंग होता है, वो आपको ऐसा लगेगा कि वर्टिकल आईसी खराब है सिर्फ उस कंडेंसर की वजह से। उस जगह पर आपको उसी प्रकार का कंडेंसर लगाना पड़ेगा। तो इसमें सिर्फ इसी प्रकार का ध्यान देना है। और बात करते हैं आप सीआरटी बेस पर जाने वाला 160 से 250 वोल्ट, तो यहाँ पर भी आपको 250 वोल्ट का माइक्रोफाइट, 50 माइक्रोफाइट से लेके 100 माइक्रोफाइट या 47 माइक्रोफाइट का भी कंडेंसर आप उस जगह पर लगा सकते हो। सिर्फ ध्यान देना है कि 250 वोल्ट का ही कंडेंसर उस जगह पर होना चाहिए, नहीं तो वो कंडेंसर वर्किंग नहीं करेगा और अपने सीआरटी बेस के लिए वोल्टेज कम जाने की वजह से अपना ट्यूब जो है वो अच्छी तरह से नहीं दिखेगा। तो उसको छोड़ के हम बात कर रहे हैं, अब बात करेंगे अपनी क्रोमा सेक्शन की। ये कि एकदम महत्वपूर्ण और परफेक्ट जानकारी है। यहाँ पर आप ट्यूब के जो रेगुलेशन, जो हाइट रेगुलेशन की बात करेंगे, तो यहाँ पर हमें लगता है 50 वोल्ट से 1.7 से 1.0 से 0.1 ऐसे माइक्रोफैट की इस जगह पर कंडेंसर लगे होते हो, या 4.7 का भी कंडेंसर उस जगह पर लगा होता है। आपको उस जगह पर 150 नहीं लगा सकते या किसी और वोल्टेज का भी नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर लगाते हैं तो क्रोमा ऐसी ख़राब है ऐसा आपको लग सकता है। तो आपको करना यही है कि आप डायरेक्टली उस जगह पर उसी सेक्शन का कंडेंसर लगाए, ताकि क्रोमा सेक्शन एक लो वोल्टेज हो, एक लो वोल्टेज रेगुलेशन होता है, उस जगह पर उसी प्रकार का कंडेंसर लगेगा, तो ही वो क्रोमा सेक्शन वर्किंग करेगा। तो ठीक है दोस्तों, तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है, मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा एलईडी एलसीडी में लगने वाले जो कंडेंसर है, उस एलईडी एलसीडी कंडेंसर जगह पर किस प्रकार का कंडेंसर हम लगा सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।